तो जी ये पूरा एरिया ना, ये भी बहुत फेमस है ह्यूस्टन में, इसको बोलते हैं सवॉय कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट, देसी मार्केट, देसी ग्रोसरी सब मिलेगी यहाँ पे। गैस भरवाने आया हूँ मैं, और अभी जो रेट चल रहा है ना गैस का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गई है। टेम्परेचर हो चुका है 113। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, उम्मीद बहुत होंगे। तो जी आज ह्यूस्टन का जो वेदर है बहुत गर्मी है यहाँ पे, और गर्मी तो पूरे महीने पड़ रही है और ठीक ठाक पड़ रही है, और टेम्परेचर जो है नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है, डे बाय डे ऊपर जा रहा है। जैसे 114 115 तो जाता ही है नॉर्मली, आज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, 109 तक चला गया है। तो मैंने सोचा थोड़े बहुत काम निपटा लूँ, अपने काम जो भी हैं अपने वो कर लूँ, ताकि फिर गर्मी में निकलना ना पड़े इतना, क्योंकि ह्यूस्टन की जो गर्मी है ना वो नोन है, बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, कि जब गर्मी ऐसी होती है कि आप घर से बाहर निकलते हैं अपने अपनी गाड़ी तक जाते हैं ना, तो गाड़ी का जो हैंडल होता है अगर आप उसको पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है किसी आपने अपने आग में हाथ दे दिया, ऐसी गर्मी होती है। तो चले अभी थोड़े बहुत काम मैं निपटाने जा रहा हूँ, ताकि जो काम मेरे रह गए हैं तो गर्मी में जो है वो निकलना ना पड़े। अभी थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है तो मुझे आसानी हो जाए अपने काम करने में। तो बाकी आप मेरे साथ चलें और वेदर भी इंजॉय करें और रूटीन देखें मेरी, रूटीन क्या होती है आज की। तो जी यहाँ पे मैं आ गया हूँ एयर प्रेशर अपना सही करवाने, क्योंकि ये जो है ना एयर प्रेशर की फैन आ रही है, ये आ रही है प्रेशर, और नीचे जो है टेम्परेचर है 94, और ये जगह जो है बड़ी जबरदस्त फेमस जगह है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट टायर, और बड़ा फेमस जो है ये स्टोर है। यहाँ पे अगर आप की गाड़ी का टायर खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छे पैसों में आपको न्यू टायर जो है फिक्स करके दे देते हैं। एयर थोड़ी सी अगर इसमें डालेंगे तो फिक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये साइन है ना, ये साइन फिर चले जाएगी, तो देखते हैं फिर ये क्या होता है इसका। तो ये पूरी जो है टायर फिक्स की पूरा स्टोर है यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त, जहाँ टायर जो है बनते हैं। ये हमारी ट्रेन आ गई है और ये बताएगा कि एयर प्रेशर एक और हो, अरे आई गॉट अ साइन फॉर एयर प्रेशर, या तो ये पूरी जगह जो है यहाँ पे पूरा जो है टायर फिक्स होता है, पूरे टायर रखे हुए हैं यहाँ पे सामने, और बहुत ज़बरदस्त काम होता है यहाँ पे। साइन चला गया है, ये जो स्कूल वैन गई है और यहाँ पे जो स्टॉप साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको रुकना है, और अगर स्कूल वैन, स्कूल की बस अगर खड़ी भी है और इसमें से बच्चे उतर रहे हैं और आपने जो है वो स्कूल बस को पास कर दिया, तो इसके ऊपर भी बहुत फाइन है। और ये स्कूल जोन की लिमिट है 20, और अगर 20 से मैंने अपनी लिमिट को ओवर किया तो समझ जाइए, जो पुलिस खड़ी हुई है ना सामने, दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये जो पुलिस खड़ी हुई है ना सामने, ये वैन खड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये वैन मेरे पीछे आएगी और ये जो पुलिस वाला है मुझे बहुत भारी जो है फाइन देगा। ये सारे जो है स्कूल हैं यहाँ पे, और बड़ा फेमस स्कूल है ये, और इसका नाम है मलाला यूसुफज़ई। सारी कार्स यहाँ पे पार्क हैं, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए हुए हैं, तो देखिए कितनी लाइन से जो है यहाँ पे गाड़ियाँ जो है पार्क हुई हुई है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, और हमारा जो है भी सिग्नल खुल गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारी जो है कार जो है लाइन से पार्क है, और यहाँ पे सब ने जो है बच्चों को लेने आए पेरेंट्स सारे जो हैं, ये सारी लाइन जो हैं पार्क हैं, और एक स्कूल है यहाँ पे, यहाँ से इतनी लंबी लाइन है वो जा रही है इस तरफ, यहाँ पे स्कूल है इस तरफ, वो जाके इतना दूर जाके स्कूल है, और लाइन जो है बताइए कहाँ इतनी लंबी लगी हुई है, क्योंकि आप जो है एक ही लाइन पर खड़े हो सकते हैं, आप दूसरी लाइन यूज़ कर नहीं सकते, ताकि दूसरे लोगों को हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है यहाँ पे जो लेडी है वो स्कूल जोन,
स्कूल के लिए काम करती है ताकि ट्रैफिक को वह कंट्रोल कर सके। तो ये है सारा मैनेजमेंट। और फिर ये अगर चीज़ें अगर हमारे मुल्क में हो जाए, हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त जो है हर चीज़ अच्छी हो जाए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाए, सर्विलेंस अच्छा हो जाए, लोगों को तरीका आ जाए गाड़ियाँ पार्क करने का, गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं। हर चीज़ जो है बहुत रफ है हमारे मुल्कों में, बस यहाँ पे देखते हैं तो बस यही ख्वाहिश होती है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा सिस्टम हो जाए कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज। नेबरहुड का जो है ये स्कूल है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लोग जो पेरेंट्स हैं वो अपने घरों से निकल के आए हैं, जो करीब रहते हैं स्कूल से, तो वो लोग यहीं से बच्चों को जो है पिक कर लेते हैं, घरों से वॉक करके आते हैं और बच्चों को जो है पिक कर लेते हैं। यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है और बहुत लंबी लाइन है। और ये जो है स्कूल, ये भी बहुत अच्छा स्कूल है, क्योंकि मैं जो स्कूल दिखा रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे स्कूल दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब अच्छे स्कूल है, क्योंकि ये एरिया बड़ा अच्छा है। और इसका नाम है, हारमोनी पब्लिक स्कूल। ये हारमोनी पब्लिक स्कूल जो है ये बहुत फेमस स्कूल है यहाँ पे, और ये भी बहुत जो है यहाँ पे देखिए पुलिस भी खड़ी हुई है, पूरा मैनेजमेंट पूरा बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं ये लोग। तो जी पूरा एरिया ना, ये भी बहुत फेमस है ह्यूस्टन में, इसको बोलते हैं सवाई कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट, देसी मार्केट, देसी ग्रोसरी सब मिलेगी यहाँ पे। इवन यहाँ पे बेस्ट बार्बर शॉप भी है, इंश्योरेंस की जगह भी है, तो सब है यहाँ पे। और काफ़ी लोग आते हैं, और यहाँ पे जो प्लेजर आइलैंड है ना, यहाँ पे हम लोग आते हैं, स्नोकल खेलते हैं, पान छान खाते हैं, यहाँ की चाट बड़ी फेमस है। तो कभी हम जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा अंदर से कि कैसा दिखता है ये। इवन बैंक्वेट हॉल भी है यहाँ का, सवाई कॉम्प्लेक्स का। तो चलें, अभी तो देर हो रही है, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे अंदर से कि दिखता कैसा है पूरा ये प्लेजर आइलैंड और ये सवाई। तो अभी जो है मैं गैस जो है, जो पेट्रोल बोलते हैं हम लोग इंडिया और पाकिस्तान में, लेकिन अमेरिका में पेट्रोल को गैस बोलते हैं, तो मैं गैस फिलअप करवाने जा रहा हूँ गाड़ी में। और गैस जो है इतनी मतलब बहुत है गैस उसके अंदर, लेकिन 158 माइल्स तो भी काफ़ी जो है मैं ड्राइव कर सकता हूँ। लेकिन मेरी आदत है कि मैं टैंक जो है हमेशा फुल रखता हूँ, और खाली टैंक जो है मुझे अच्छे लगते नहीं है गाड़ी के, तो हमेशा जो है गैस हाफ होती है तो मैं फौरन जो है गैस फिलअप करवा देता हूँ। तो अभी मैं जो आया हूँ एक गैस स्टेशन में, तो जब तक गैस भरेगी तो मैं अंदर से कुछ ठंडा पीने का लेता हूँ, क्योंकि गर्मी तो इतनी नहीं है, लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो मैं गैस भरवाने के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ गाड़ी, और फिर अंदर से कुछ परचेजिंग कर लेता हूँ। तो चले अंदर चलते हैं, मुझे गैस भरवा लेते हैं, अंदर जाके कुछ लेते हैं, और गाड़ी का टैंक जो है वो फुल करवा लेते हैं। और अभी जो गैस चल रही है वो चल रही है 4.1। गैस की प्राइस भी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे अमेरिका में, और ह्यूस्टन में तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में जो है काफ़ी जो है एक्सपेंसिव हो गई है गैस। लेकिन भरवानी तो है, अगर गाड़ी चलानी है तो गैस भरवानी है। यहाँ पे सारी ड्रिंक्स रखी होती हैं गैस स्टेशन के अंदर, और यहाँ पे स्नैक्स भी हैं काफ़ी, एक स्नैक्स भी रखे हुए होते हैं। तो ड्रिंक में मुझे लगता है कि मुझे पीजी जो है ना मेरा फेवरेट है, पानी जो है, तो ये दे देते हैं अभी तो फिलहाल। तो जी गैस भर गई है माशाल्लाह से, और अभी जो है चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत ज़रूरी होगा बेल्ट पहनना, लेकिन अमेरिका में जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप बेल्ट नहीं पहनोगे तो आप पे जो है $300 की तो जो फाइन होता है, फाइन आपको भरना ही होता है विद इन अ मंथ। अगर आप नहीं भरोगे तो आपको पुलिस जो है अरेस्ट कर लेगी। जो ट्रैफिक होती है ना
बहुत वर्स होती है, और जब ऑफिस आवर होते हैं तो ऑफिस आवर्स में जो है इतना रश होता है कि आप बम्पर टू बम्पर जो है कार चल रही होती है। और मुझे लगता है कि दुबई के बाद या मिड ईस्ट के बाद सबसे वर्स्ट जो है ये ह्यूस्टन में ट्रैफिक होता है, क्योंकि अभी ऑफिस आवर ख़त्म हुआ है और यहाँ पे ब्रिजेस और सब कुछ बहुत है, यहाँ पे अंडरपास बहुत बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। लेकिन जब ये ऑफिस आवर ख़त्म होता है तो ऐसा लगता है कि बस कुछ भी नहीं है, बस एक ही रोड है। तो यहाँ की जो ट्रैफिक है ना ये भी बड़ी वर्स है। तो जी ये जो मंज़र है ना शाम का हमारे ह्यूस्टन में बहुत ही खूबसूरत होता है और बड़ा रिफ्रेशिंग होता है, क्योंकि दिन में जो गर्मी होती है ना, तो इस गर्मी के बाद जब ये शाम होती है बड़ी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल होता है, लोग निकल रहे होते हैं आउटिंग के लिए, ड्राइव अराउंड करने के लिए, सारी मार्केट जो हैं वो फुल होती हैं, लोग निकलते हैं जब ग्रोसरी करने। और ये जो माहौल होता है ना शाम का बहुत ज़बरदस्त होता है, बंदा बहुत रिफ्रेश हो जाता है।